दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा चैलेंजेस टू द आइडिया ऑफ भारत विषय पर संवाद भवन में विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह सहित इतिहास संकाय के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं माँ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं प्रवक्ता प्रफुल्ल केतकर एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के को बुके एवं अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। चैलेंजेस टू द आइडिया ऑफ भारत विषय पर मुख्य अतिथि द ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने संबोधित करते हुए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत के इतिहास को बताते हुए कहा कि आइडिया ऑफ भारत एक जीवन दृष्टि है। इस मौके पर इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, रजिस्ट्रार ओम प्रकाश सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अध्यापकगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी ने कहा, प्रफुल्ल केतकर जी को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं मंचासी न राष्ट्रीयता की यह धारणा थी, इसलिए हमारा स्टेट सेक्युलर रहा।
फिर उसके समाधान की ओर अपने जो विचार है उसको केवल चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आइडिया ऑफ भारत समझना है तो आइडिया ऑफ इंडिया से वो अलग कैसे है ये भी समझना पड़ेगा। आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पिछले 25-30 वर्षों में, वैसे तो स्वतंत्रता के समय से, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में ज्यादातर जो हुई है वो इसी शब्द को लेकर हुई है, सेक्युलरिज्म। यूरोप में ये शब्द आया किसने आया, क्योंकि वहां पे एक संस्था बनी हुई थी चर्च नाम की, जिसके हाथ में सारे अधिकार केंद्रित थे। राजा जो राज्य चलाने वाला है उसके कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप था चर्च का, और इसलिए वहां पे एक संकल्पना आई कि राजा जो है वो सेक्युलर, मतलब जो भौतिक विषय है, टैक्स कितना कलेक्ट करना है, शिक्षा कैसे देनी है, उनको अनुदान देना है नहीं देना है, व्यापार कैसे होना चाहिए, इसके सारे विषय जो है वो राजा तय करेगा, उसमें पोप को या चर्च को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और पोप का काम जो है वो मूलतः उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ या आध्यात्मिक रहेगा, उसमें राजा को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, उसको कहा गया सेक्युलरिज्म। उसी के आधार पर एक संकल्पना आई, राज्य का अपनी कोई उपासना पद्धति नहीं होगी, स्टेट विल बी सेक्युलर। तो ये मॉडर्न नेशन स्टेट की जो संकल्पना आई है वो 1648 में आई वेस्टफीलिया की ट्रीटी में, और इसमें पहली बार आगे विकसित होते होते राज्य सेक्युलर क्यों हो, कैसा हो, इसकी संकल्पना विकसित हुई। उसमें क्रिश्चियनिटी के अंदर जो प्रवाह आया था प्रोटेस्टेंटिज्म का, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स, उसमें वो इसकी चर्चा करता है। लेकिन उस सेक्युलरिज्म का मूल आधार क्या है, राज्य की उपासना पद्धति भी होगी, राज्य उपासना पद्धति के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, और इसलिए राज्य का कोई भी पैसा किसी एक विशेष उपासना पद्धति के लिए खर्च भी नहीं होगा। मुझे विश्वास है खास करके छात्रों को यदि मैं पूछूं कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े दो सेक्युलर राजा कौन से होकर गए, तो मुझे विश्वास है वो दो नाम बताएंगे, अकबर का और दूसरा अशोक का। वास्तविकता ये है, मुझे दोनों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दो छोड़कर बाकी सब राजा सेक्युलर थे। अशोक ये पहला राजा था जिसने अपने राज्य का धर्म घोषित किया कि मैं बौद्ध धर्म का हूं, मेरे राज्य का भी धर्म बौद्ध है, मेरे राज्य का आया हुआ पैसा भी बौद्ध धर्म के लिए उपयोग में आएगा, ये सेक्युलरिज्म नहीं होता है। अकबर पहला ऐसा राजा है जो दीने इलाही की स्थापना करता है और दीने इलाही के प्रसार के लिए राज्य का पैसा भी उपयोग में लाता है, ये सेक्युलरिज्म नहीं होता है। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मेरे खजाने का पैसा जो है वो किसी मंदिर के भी काम नहीं आएगा, भवानी माता का मंदिर ये मेरी श्रद्धा का विषय है, मैं पैसा दूंगा उसमें। वो शिवाजी महाराज कम्युनल हो गए, अकबर सेक्युलर हो गए। गलत संकल्पनाएं हम गलत जगह पे लगाते हैं तो क्या होता है, उसी के द्वंद्व में हमारा समाज फंसा हुआ है। उस द्वंद्व का मूल है आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ भारत। उससे बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई और हमारे राष्ट्र का जो मूल आधार था, उस भारत का जो आधार था, वो आधार हम भूल गए। उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत है। आइडिया ऑफ भारत भी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है,
दृष्टि है। ये व्याख्यान हमारे यहाँ जो दीक्षांत समारोह होता है, उस दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों के विद्वानों को बुलाकर छात्रों को मानसिक रूप से ज्ञान की नई नई शाखाओं से परिचित कराने का प्रयास किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इतिहास विभाग ने भी एक सभा का आयोजन किया और उसमें ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री केतकर जी को बुलाया और भारत में वर्तमान चुनौतियों के विषय में आपको आख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि इस समय के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि उन चुनौतियों को जानें और उससे किस तरह निजात पाया जाए, उसके बारे में इन बड़े लोगों का जो निर्देशन है, मार्गदर्शन है, उसको ग्रहण करें और भविष्य को उज्ज्वल बनाने में इसका प्रयोग करें।